Hello everyone. Today in this video, we are going to continue our previous topic, which is matrices. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे symmetric and skew symmetric matrices. Okay? Symmetric matrix क्या होता है, skew symmetric matrix क्या होता है. चलिए डिफाइन करते हैं पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे. यहाँ पे मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है, तो हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, तो आपको पता होगा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका ऑर्डर क्या हो, एन क्रॉस एन, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो. जितनी रोज है उतने ही कॉलम होने चाहिए, ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहली कंडीशन ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. ओके, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A transpose is equal to A. ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलते हैं, अगर वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे हमें वही मैट्रिक्स मिलता है. एक मैट्रिक्स है A जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने उसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद सेम वही आंसर आ रहा है जो A मैट्रिक्स था हमारे पास, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, let A is equal to 1 5 5 3. ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज निकाल के देखें. अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, A ट्रांसपोज, ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था. ट्रांसपोज क्या होता है, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं. ये जो मैट्रिक्स है इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाता है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाता है. ये यहाँ पे रो है 5 3, यहाँ पे ये कॉलम में लिखा जाएगा. ओके, तो ये ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया. तो आप देख रहे हो, जब हमने ए का ट्रांसपोज फाइंड किया है तो सेम आंसर आ गया, जो ए का आंसर था 1 5 5 3, सेम ही आ रहा है, कोई चेंज ही नहीं हुआ ट्रांसपोज करने पे भी. तो हमने देखा ये जो आंसर है ये तो ए के इक्वल ही आ गया है. तो यहाँ से हमने देखा ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है. हर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, हर मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है. तो ये कैसा मैट्रिक्स है जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. सो देयरफॉर हम बाय डेफिनेशन कह सकते हैं ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ए यहाँ पे क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं. ये हमने सपोज मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का है ना, इसमें 3 रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3. ठीक है, ये 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है. अब अगर हम ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, ए ट्रांसपोज अगर हम निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा यहाँ पे, तो हम इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा यहाँ पे 2 5 6. थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम में लिखा जाएगा. तो ये हमने फाइंड कर लिया ए ट्रांसपोज. तो आप देख रहे हो फिर से जो ए ट्रांसपोज का आंसर आया है 1 2 3 1 2 3, 2 5 6 2 5 6 3 6 7 3 6 7. हमने ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है, फिर भी जो आंसर आ रहा है वो सेम वैसा ही आ रहा है जो ए मैट्रिक्स था हमारे पास. तो ये तो ए के इक्वल ही आ गया ये वाला मैट्रिक्स. तो यहाँ से हमने देखा कि हमने ए ट्रांसपोज फाइंड किया था, उसमें कुछ चेंज ही नहीं हुआ, वो तो ए के इक्वल ही आ गया. तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो ऐसी सभी मैट्रिक्स जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे उनको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स. जब भी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आपको मिले तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, ठीक है. अब
आप ये देख रहे हो, ये कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस हैं, है ना, कि हर हर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे तो सेम मैट्रिक्स नहीं मिलता है, अब इनमें आ रहा है तो कुछ तो स्पेशलिटी होगी इनकी, तो यहाँ से आप इसका जो डेफिनेशन है वो यहाँ से डिराइव कर सकते हो इजीली। देखो इसमें होता क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स केस में, कि अगर आप ये चेक नहीं करना चाहते हो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है या नहीं, आप डायरेक्टली मैट्रिक्स को देखते ही बता सकते हो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं। उसके लिए आप कैसे चेक करोगे, क्या बोला मैंने, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्रूव करने की जरूरत भी नहीं होगी, आप डायरेक्टली देखते ही बता पाओगे कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। कैसे कैसे चेक करते हैं, मैट्रिक्स में आपने क्या करना है, डायगनल जो एंट्रीज होंगी जो डायगनल पे पड़ी है उनको छोड़ दो अभी के लिए, एक बार के लिए डायगनल एंट्रीज को स्किप कर दो, ठीक है। डायगनल के अबव जो भी एंट्रीज होंगी वही आपको डायगनल के बिलो दिखाई देंगी, डायगनल के अबव जो भी एंट्रीज होंगी वही डायगनल के बिलो दिखाई देंगी, तो ऐसी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। इतना काफी नहीं है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन और भी होनी चाहिए। पहले हम यहाँ पे देखें, ये जो सेकंड मैट्रिक्स है ये देखो डायगनल एंट्रीज को छोड़ दो, इसको भी आपके लिए हम स्किप करते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सी एंट्रीज है, 2 3 6 है वही यहाँ पे होंगी 2 3 6। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो एंट्रीज है वो यहाँ पे पड़ी हो लेकिन किसी भी पोजिशन पे नहीं, इनकी पोजिशन फिक्स्ड होती है। कैसे, एक बात को और ध्यान रखना, देखो एक तो मैंने बताया डायगनल एंट्रीज के अबव जो एंट्रीज होंगी वही आपको डायगनल के बिलो दिखाई देंगी, जैसे यहाँ पे 5 था यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 3 6 है यहाँ पे भी 2 3 6 है। अब आप एक रिलेशन और फाइंड कर पा रहे हो इनमें, कैसा रिलेशन है ये देखो, ये जो एलिमेंट है ये कौन सी पोजीशन पे पड़ा है, ये कौन से रो में है कौन से कॉलम में है, ये फर्स्ट रो में है सेकेंड कॉलम में है, तो इसको हम नेम क्या देंगे, A12, ये क्या है A12, ओके। अब यहाँ पे ये जो एंट्री है ये कौन सी पोजीशन पे पड़ी है, ये सेकंड रो में पड़ी है फर्स्ट कॉलम में पड़ी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे A21, सेकंड रो में है फर्स्ट कॉलम में है। तो आपने देखा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी बनेगा तो A12 जो एंट्री होगी वो A21 के इक्वल होगी, A12 जो होगा वो A21 के इक्वल होगा। ऐसे अगर हम 3x3 मैट्रिक्स में देखते हैं, ठीक है, ये जो एंट्री है 2 ये कौन सी पोजिशन पे पड़ी है, ये फर्स्ट रो में है सेकेंड कॉलम में है, तो A12 लिखेंगे हम इसको, दिस इज इक्वल टू, अब ये जो एंट्री है यहाँ पे मिला ना हमें 2, ये कौन सी रो में है, सेकेंड रो में है फर्स्ट कॉलम में है, तो हम इसको क्या लिखेंगे A21, और हमें पता है इसका आंसर भी 2 है इसका आंसर भी 2, दोनों इक्वल आ रही है। ऐसे अगर आप 3 चेक करो, 3 फर्स्ट रो में है थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट रो में है थर्ड कॉलम में है, अगर यहाँ पे आप 3 चेक करो ये कहाँ पे पड़ा है, थर्ड रो में है फर्स्ट कॉलम में है, तो देखो रिवर्स होते जा रहा है ना ये, अगर 1 3 है तो ये किसके इक्वल होगा, जो भी एंट्री A31 पोजीशन की होगी ये दोनों सेम होनी चाहिए। ऐसे अगर आप 6 चेक करते हो ये सेकंड रो में है थर्ड कॉलम में है, 6 जो है वो सेकंड रो में है थर्ड कॉलम में है, अगर आप डायगनल के बिलो देखो यहाँ पे ये थर्ड रो में है सेकंड कॉलम में, थर्ड रो में है सेकेंड कॉलम में, तो आपने देखा जब भी हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएंगे ये डायगनल एंट्रीज को छोड़ देना। डायगनल एंट्रीज कैसी होती है, ये A11 है A22 है A33 है, यहाँ पे तो सेम होता है ना, जो I है वही J होगा, A11 A22 A33 इनको छोड़ दो डायगनल एंट्रीज को। ये जो बाकी के एलिमेंट्स हैं जिनमें ये I एंड J डिफरेंट होता है, यहाँ पे I की वैल्यू 1 है J की वैल्यू 2 है, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना एक मैट्रिक्स के एलिमेंट को आई जी, जब भी ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, अगर 1 2 है तो A21 के इक्वल होगा, A13 पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा है वो A31 पोजीशन पे भी वही पड़ा होना चाहिए, A23 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वही A32 पे होना चाहिए, तभी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। तो आप इजिली आइडेंटिफाई करते हो यहाँ पे जो एंट्री वो यही होनी चाहिए, यहाँ पे जो है वो इसके सामने यहाँ पे पड़ा होना चाहिए, यहाँ पे जो एंट्री है वो यहाँ पे दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर A12 पोजीशन पे है तो A21 पे भी यही रहना चाहिए, अगर 3 हमारे पास A13 पोजीशन पे पड़ा है तो A31 पे भी आपको 3 दिखाई देगा। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या तो आप ऐसे चेक कर लो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है या नहीं, अदरवाइज आप देखते भी पहचान सकते हो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा या नहीं। कैसे चेक करोगे, ये एंट्रीज को आइडेंटिफाई करके, कि ये 2 है यहाँ पे भी 2 है, ये दोनों एंट्री सेम है, ये A12 पोजीशन पे है ये A21 पोजीशन पे है, ऐसे ही A13 पोजीशन पे जो है वही A31 पोजीशन पे एंट्री पड़ी है, A23 पोजीशन पे जो है वही A32 पोजीशन पे पड़ी है। तो अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है, एक तो आपने ऐसे डिफाइन कर लिया
कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये होना चाहिए। या फिर हम यहाँ पे ये भी कह सकते थे और किस मैट्रिक्स में जो एंट्रीज है ना ए आई जे, वो किसके इक्वल होने चाहिए, ए जे आई के इक्वल होने चाहिए। ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सो ए, अगर आप आई को यहाँ पे 1 पुट कर रहे हो, यहाँ पे 2 पुट कर रहे हो जे को, तो यहाँ पे जे को तो 2 पुट कर रहे हो आई को 1, तो a12 a21 के इक्वल होना चाहिए। अगर आप 1 रख रहे हो यहाँ पे 3 रख रहे हो, a13 a31 के इक्वल होना चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप ये डेफिनेशन अब आपको अच्छे से क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप डिफाइन करते हैं, विच इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर सेम होगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, अगर ए का ट्रांसपोज करने पे आंसर किसके इक्वल आता है, माइनस ए के इक्वल आ जाता है आपके पास, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये एक मैट्रिक्स, हम इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को उठा के सेकंड कॉलम में लिख दो, तो ये ट्रांसपोज आ जाता है। ठीक है, ये आया हमारे पास ए ट्रांसपोज का आंसर। ठीक है, अगर हम यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लें, नेगेटिव साइन कॉमन निकालो, नेगेटिव साइन कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है कि इस मैट्रिक्स में जो भी जो एंट्रीज पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। नेगेटिव साइन कॉमन निकालो, अब जीरो के आगे आप पॉजिटिव साइन यूज करो, नेगेटिव साइन यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो एंट्रीज ऐसी रहेंगी। ये यहाँ पे नेगेटिव थी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये एंट्री यहाँ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, नेगेटिव साइन को माइनस को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा, माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -2 होगा, माइनस को -2 से मल्टीप्लाई करोगे +2 आएगा, माइनस को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा। तो ठीक है, हमने नेगेटिव साइन यहाँ से कॉमन निकाला। अब देख लो, नेगेटिव साइन कॉमन निकालते ही ये जो मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स बन चुका है, 0 2 -2 0, 0 2 -2 0। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये किसका आंसर है, ए का आंसर है। तो हमने देखा ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ रहा है, ये जो मैट्रिक्स था उसने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, इट मींस ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, अब इसमें निकाल के देखिए ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज को, ए ट्रांसपोज के लिए आप डैश भी यूज कर सकते हो और टी भी यूज कर सकते हो, ये मैंने बताया था। नोटेशन में कंफ्यूज मत होना कि यहाँ डैश लिख दिया यहाँ पे ट्रांसपोज, ऐसे मैं सेम ही कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज ए टी का मतलब भी ए ट्रांसपोज ही होता है, डैश का मतलब भी ए ट्रांसपोज ही होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, ए ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, वही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिया, थर्ड रो उठा के थर्ड कॉलम में लिख दिया। ठीक है, अब इससे हम नेगेटिव साइन कॉमन निकाल के देखते हैं।
जो एंट्रीज नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगी, ये प्लस का हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगी, जीरो को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, यहाँ 5 है या -3, -5 और 0, ये बन जाएगा। आप देख रहे हो जैसे ही हमने नेगेटिव साइन कॉमन निकाला, ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन बन रहा है ये तो ए मैट्रिक्स ही बन गया, 0 to 3, 0 to 3, -2 0 5, -2 0 5, -3 -5 0, -3 -5 0। तो हमने देखा ये ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये ए मैट्रिक्स ही बन रहा है, तो इस मैट्रिक्स में भी ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करने के लिए एक तो यही मेथड है, ए ट्रांसपोज चेक करो क्या वो माइनस ए के इक्वल आ रहा है, अगर ऐसा है तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ओके और अदरवाइज आप सिंपली भी देखते ही आइडेंटिफाई कर सकते हो एक मैट्रिक्स को, क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। कैसे कैसे, ये देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में फर्स्ट कंडीशन यही होती है कि जो डायगोनल एंट्रीज होती है वो जीरो होती है, हमेशा जीरो होंगी। बताती हूँ क्यों होती है जीरो, लेकिन आपने याद रखना है इसको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में जब भी जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा ना उसमें डायगोनल एंट्रीज जीरो होंगी ही होंगी, हमेशा होंगी। अब सिर्फ ये देख के कि डायगोनल पे जीरो पड़ा है आप ये नहीं बोल सकते कि वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके साथ ही साथ एक और कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो डायगोनल एंट्रीज जीरो होंगी, सेकेंड कंडीशन होगी कि जैसे यहाँ पे जो एलिमेंट पड़ा है A12 पोजीशन पे, A12 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो ये देखो ये दोनों एलिमेंट इक्वल है, बस साइन का फर्क आ रहा है। तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है जो A21 पोजीशन पे पड़ा है, ये है तो इक्वल, बस इसके आगे नेगेटिव साइन आ रहा है ना। A12 जो है वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ A12। ठीक है अगर A2 देखो अगर A12 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, A12 कितना आ रहा है, देखो A21 पोजीशन पे क्या एंट्री है, A21 पोजीशन पे -2 है, एक नेगेटिव हमने ये लगाया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 आएगा, तो ठीक है ना A12 का आंसर 2 आ रहा है, A12 का आंसर कितना है 2 है। तो ये दोनों एंट्रीज जो कॉरेस्पॉन्डिंग पोजिशन पे होंगी, A12 जो आंसर है वो A21 के इक्वल होगा, बस एक में नेगेटिव साइन लगा होगा, ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके जैसे यहाँ पे देखो ये A12 पोजिशन है, ये A21 है, एंट्री सेम है बस अपोजिट साइन की होंगी, एक में अगर यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव साइन होगा, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव साइन होगा। यहाँ पे जैसे 3 है, ये कौन सी पोजिशन है, 1 3, तो 3 1 पे जो पड़ा है, 3 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा है इनमें होंगे सेम देखने में, बस साइन का डिफरेंस होगा। यहाँ पे भी ये देखो एंट्री सेम है बट साइन का डिफरेंस है, और डायगोनल एंट्रीज हमेशा क्या होंगी, जीरो होंगी। तो हमने यहाँ से देखा कि A12 जो है वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ A21 के इक्वल है, अगर A13 निकाल रहे हैं यहाँ पे वो A31 के इक्वल है बट इसके नेगेटिव के इक्वल है, नेगेटिव ऑफ A31 के इक्वल है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि Aij जो होगा वो माइनस ऑफ Aji के इक्वल होना चाहिए, फॉर ऑल आई जे Aij जो होगा वो Aji के इक्वल होना चाहिए, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे डायगनल एंट्रीज जीरो कैसे बनी होगी, ये देखो डायगनल पे जो एलिमेंट होता है वो कौन सी पोजीशन है, ये A11 है, ये A22 है, A33 है। अब डायगनल एंट्रीज तब बनती है जब यहाँ पे आई एंड जे की वैल्यू सेम होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी कि Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aji होगा, दिख रहा है यहाँ पे हमें। अगर डायगनल एंट्रीज की बात करें तो वहां पे आई एंड जे की वैल्यू तो सेम होती है, तो यहाँ पे हम पुट कर दें, जे को भी मैंने आई पुट कर दिया डायगनल एंट्रीज निकालने के लिए, यहाँ पे भी जे को आई पुट कर दिया क्योंकि अब यहाँ पे सेम एंट्रीज है तो ये डायगनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एलिमेंट। अब इसको आप इधर लेके आओ, ये प्लस हो जाएगा, Aii इज इक्वल टू जीरो, ये कितना बन जाएगा, 2Aii इज इक्वल टू जीरो। अब 2 तो जीरो हो नहीं सकता, यानी Aii ये एलिमेंट को जीरो होना पड़ेगा। अब ये कैसे एलिमेंट्स हैं जिसमें ये दोनों एंट्री सेम होगी, यानी A11 भी जीरो होगा, A22 भी जीरो होगा, A33 भी जीरो होगा, तो ये एंट्रीज जीरो आएंगी, ये डायगनल एंट्रीज होती है। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगनल एंट्रीज हमेशा जीरो होंगी और ये
एलिमेंट्स जो यहाँ पे पड़े हैं ये ऑपोजिट साइन के होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे बट ऑपोजिट साइन के होंगे। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा है हमने, मैट्रिक्स ए सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, या तो आप ऐसे चेक कर लो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए, या फिर इसकी डेफिनेशन ये भी बन सकती है कि ए आई जे जो है वो माइनस ऑफ ए जे आई के इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल आई जे, हर आई जे के लिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जैसे डायगनल एंट्रीज की बात होती है तो यहाँ पे सेम बन जाता है, ए वन वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वन वन, इसको इधर लेके आओगे तो टू ए वन वन इज इक्वल टू जीरो, यानी ए वन वन जीरो आ जाएगा। सिमिलरली ए टू टू भी जीरो आएगा, सिमिलरली ए थ्री थ्री भी जीरो आएगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट रखते हो, यहाँ पे वन टू रखते हो, यहाँ पे टू वन आएगा, यानी ए वन टू का जो आंसर है वो ए टू वन के नेगेटिव होना चाहिए, ए वन थ्री का जो आंसर है ए थ्री वन के नेगेटिव होना चाहिए। मतलब सेम एंट्रीज होंगी बस ऑपोजिट साइन की होगी। ऐसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, बिल्कुल सेम एंट्रीज होती है, बिल्कुल सेम एंट्रीज होती है। अब यहाँ पे डायगनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, बस स्क्यू सिमेट्रिक में डायगनल एंट्रीज भी जीरो होती है और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं बट ऑपोजिट साइन के होते हैं। आई होप कि दोनों ही डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होंगी। अब अगर आपको चेक करना है कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, ट्रांसपोज निकालोगे मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज निकालोगे। अगर ट्रांसपोज निकालने के बाद मैट्रिक्स वही सेम मैट्रिक्स के इक्वल ही रहता है जो हमें दिया होगा, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं वो माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाता है जिसका हम ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो ये कंडीशंस हैं चेक करने के लिए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। ओके, इसके बाद हमारे पास टू रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। पहले हम फर्स्ट रिजल्ट करते हैं। Let A be any square matrix ये कुछ रिजल्ट्स हैं देखो, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, स्क्वायर मैट्रिक्स मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें इक्वल होंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज करने पे जो मैट्रिक्स आएगा वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये कहता है ये रिजल्ट। एंड अगर हम ए से ए ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हमेशा बनता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या बनता है हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आई है, ये हम प्रूफ करेंगे पहले। ठीक है, एक बार अच्छे से देखो, कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हम ए वो मैट्रिक्स ए में उसका ट्रांसपोज ऐड कर देते हैं वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। ओके, चेक करते हैं, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, विद रियल एंट्रीज, ये भी साथ में आप लिखोगे कि जो एलिमेंट्स होंगे ना मैट्रिक्स के वो रियल होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज नहीं होनी चाहिए, फिर रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज नहीं होनी चाहिए, हम रियल एंट्रीज की बात कर रहे हैं, यानी आयोटा जो है वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में ना हो, आयोटा से रिलेटेड टर्म्स नहीं होनी चाहिए, सिंपल जो वन टू थ्री वन बाय टू थ्री बफर ऐसे नंबर्स की बात कर रहे हैं अगर ऐसा मैट्रिक्स है हमारे पास। तो चलिए प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, A is any square matrix, ठीक है, A B any square matrix, ठीक है, ये हमें given है। हमें चेक क्या करना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर हम A प्लस A ट्रांसपोज निकालें, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैंने आपको बताया है, क्या बताया अभी, कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, कोई भी मैट्रिक्स है,
अगर उसका ट्रांसपोज निकालने पे वही मैट्रिक्स के इक्वल आंसर आ जाता है तो वो सिमेट्रिक होती है। तो मैं यहाँ पे क्या प्रूव करना है, हमें यहाँ पे प्रूव करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। अगर हम ये प्रूव कर दें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पे ये यही मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो प्रूव हो जाएगा सिमेट्रिक है। ध्यान से समझो, कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज बी एक मैट्रिक्स है, मुझे चेक करना है ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो मैं क्या करूंगी इसका ट्रांसपोज निकालूंगी। ओके, ये बी के इक्वल ही आना चाहिए, अगर ये इसके इक्वल आ जाता है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें चेक करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। जो भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक चेक करना है आप उसका ट्रांसपोज निकालो, हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज को चेक करना है ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे। अगर ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पे आंसर इसके इक्वल ही आ जाता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाता है, इट मीन्स वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, तो हम यही डेफिनेशन का यूज करेंगे। ओके okay? चलिए, हमें चेक करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे इसका ट्रांसपोज ले लिया, जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक चेक करना है उसका ट्रांसपोज कंसिडर कर लो। तो हमने लास्ट वीडियो में ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज की थी, उसमें एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी हमने कि अगर टू मैट्रिसेस को ऐड करते हैं हम और उसका ट्रांसपोज लेते हैं, ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड कर दो। यहाँ पे भी तो वही है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए प्लस एक मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज, अब दो मैट्रिसेस की एडिशन का हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये किसके इक्वल होता है, दोनों ही मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज कर दो और उनको ऐड कर दो। पहले मैंने ए उठाया, इसका ट्रांसपोज कर दिया और इसमें ऐड करना है जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर दो, ए ट्रांसपोज पहले ही है इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया, ये रिजल्ट अप्लाई किया हमने। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांस, जब हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज की थी उसमें ये प्रॉपर्टी भी की थी, ए ट्रांसपोज ना ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, एक ही मैट्रिक्स का टू टाइम ट्रांसपोज कर देते हो वो ए के इक्वल होता है, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज तो हम एज इट इज लिख देंगे, अब हमें पता है एक ही मैट्रिक्स का टू टाइम ट्रांसपोज हो तो वो तो वही ए मैट्रिक्स का इक्वल होता है, ये हमने प्रॉपर्टीज की हैं जब हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस किया था, तो वही प्रॉपर्टीज का यूज हमने यहाँ पे किया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो हमने क्या किया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज ये एक मैट्रिक्स थी, इसका हमने ट्रांसपोज निकाला है और ये आंसर किसके इक्वल आ गया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज ये एक मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाल रहे थे वो वही मैट्रिक्स के इक्वल आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही यही है, कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसका ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स बन जाता है जैसे यहाँ पे बना है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो प्रूव कर दिया हमने। अब कोई भी मैट्रिक्स लोगे उसमें उसका ट्रांसपोज ऐड अगर कर दोगे तो वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, अब याद रखना है ये रिजल्ट। ओके, ऐसे ही सेकंड रिजल्ट क्या कहता है, कोई भी मैट्रिक्स लो उससे उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, ये भी चेक कर लेते हैं। हमने प्रूफ क्या करना है सेकंड रिजल्ट में कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब एक मैट्रिक्स है सपोज बी मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, अगर इसका ट्रांसपोज निकालने पे ये माइनस बी के इक्वल आ जाता है, यही डेफिनेशन की थी हमने। अब ये मैट्रिक्स को प्रूव करना है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो कब होगी ये स्क्यू सिमेट्रिक, अगर इसका ट्रांसपोज करने पे ये किसके इक्वल आ जाए, इस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, तो हमने इसका ट्रांसपोज लिया। अभी रिजल्ट किया है हमने कि अगर टू मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ एडिशन होती है तो हम डिफरेंट डिफरेंट का ट्रांसपोज करके ऐड कर देते हैं, यहाँ अगर सब्ट्रैक्शन होती है तो डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करके वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज द ट्रांसपोज, दोनों ही मैट्रिसेस का अलग अलग ट्रांसपोज हो जाता है, ये प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज की। ओके, यहाँ पे ये ए ट्रांसपोज माइनस एक ही मैट्रिक्स का टू टाइम ट्रांसपोज करते हो, ये प्रॉपर्टी की थी हमने, वो मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाता है। ओके, अब यहाँ पे जो आंसर आया है वो आ रहा है ए ट्रांसपोज माइनस ए, अगर मैं यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लूँ तो ये नेगेटिव ए है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ए ट्रांसपोज ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने देखा
हमने देखा यहाँ पे कि हमने एक मैट्रिक्स थी हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज। जब हमने उसका ट्रांसपोज किया, आंसर किसके इक्वल आ रहा है, नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। जो मैट्रिक्स कंसिडर किया था उसका ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स का नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी तो किसकी होती है, डेफिनेशन तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होती है। इट मीन्स ए माइनस ए ट्रांसपोज दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब इसके बाद टू रिजल्ट्स और आते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, इफ ए इज सिमेट्रिक, अगर आपको पहले ही बताया एक मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक है, दिस इंप्लाइज के ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी नंबर से, के यहाँ पे एक नंबर है, एक मैट्रिक्स नहीं, एक नंबर है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हमेशा सिमेट्रिक ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आता है। ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो उसको भी अगर आप किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहता है, चेंज नहीं होता उसमें कुछ। एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो वो सिमेट्रिक ही रहेगा। ऐसे ही अगर कोई मैट्रिक्स पहले ही पता है हमें स्क्यू सिमेट्रिक है, उसको किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके ये प्रॉपर्टी सेट चेंज नहीं होती है, वो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। ओके, ये प्रॉपर्टीज होती है। अब देखो हमने क्या प्रूफ किया है, हमने क्या प्रूफ किया है, हमने प्रूफ किया है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, किया ना। अगर मैं इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 से, सपोज क्यों कर रहे हैं हम ये आगे बताऊंगे, क्वेश्चंस में ये यूज होता है, ठीक है, जब क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। ये ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने प्रूव किया ये तो सिमेट्रिक होता ही होता है, अगर मैं इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी ये क्या रहेगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। सिमिलरली हमने प्रूव किया है ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो इसको भी अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी क्या ही रहेगा, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा यहाँ पे। ओके, तो आपने अच्छे से माइंड में रखना है कि 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज ये हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है, 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। एक बार इन दोनों को ऐड करके देखो, ये अभी समझ आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक बार ऐड करके देखो, अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज ऐड कर दिया, ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। जब हम इनको ऐड करेंगे देखो, 1/2 1/2 कॉमन निकाल ले, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो 1/2 कॉमन निकाल लिया हमने। जब तो हमने यहाँ से 1/2 1/2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज, यहाँ से 1/2 हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ए ट्रांसपोज ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा क्या है यहाँ पे, 1/2 ए प्लस ए इट मीन्स 2a, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ए आ गया हमारे। अगर हम ये मैट्रिक्स ले रहे हैं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा बन गया, ए, वही मैट्रिक्स जिनको हमने यहाँ पे ऐड किया था और सब्ट्रैक्ट किया था। तो यानी कोई भी अगर मैट्रिक्स ए है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब ए बन गया देखो यहाँ पे, तो ए मैट्रिक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, ये किसके इक्वल होता है, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। कोई भी मैट्रिक्स जो ए होगा, अगर आप बी लेते हो यहाँ पे तो यहाँ पे बी मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स है अगर आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करने पे हमेशा ए ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ए इज इक्वल टू, ये क्या है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमने प्रूव भी किया, ठीक है।
तो आप यहाँ से ये कह सकते हो, एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ट्रूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स दे दिया जाए हमें, हम उनको हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ट्रूसिमेट्रिक मैट्रिक्स में, कि हम इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, इनमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होनी चाहिए, एक ट्रूसिमेट्रिक। बिल्कुल कर सकते हैं, हमने यहाँ पे प्रूव किया है। अब आपको वो कोई भी हाँ जी, तो लास्ट स्लाइड में हमने क्या डिस्कस किया है कि कोई भी अगर हमें स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, राइट। हमने ये प्रूव किया, हमने इनको ऐड करके भी देखा था लास्ट स्लाइड में, वो एक एक बोला रहा था। ओके, अब हमने क्या देखा, ये एक मैट्रिक्स बनता है। ये कैसा मैट्रिक्स बनता है? ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है, ये हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है, ये हमने प्रूफ भी किया है। और ये हमेशा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी हमें मैट्रिक्स दिया हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, कोई भी अगर हमें स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो, हम हमेशा उस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम पे, कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो वही मैट्रिक्स बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। सो हियर क्वेश्चन इज, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स टू थ्री माइनस वन वन एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे ये एक मैट्रिक्स था, इसको हमने लिखा था ये सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सम में, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में। तो मान लेते हैं कि हमारा ए मैट्रिक्स है, लेट ए इज इक्वल टू टू थ्री माइनस वन वन। ठीक है, तो अगर हमें ये मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखना है तो हमें पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करना होगा। और वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करना है तो वो कैसा होता है, ये ए 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हमें अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। आप पहले ये निकालोगे, ओके, 1/2 ए, एक ए हमें क्या दिया गया, टू थ्री माइनस वन वन प्लस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। दिस इज इक्वल टू 1/2, 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, 3 - 1 कितना होगा, 2 होगा, -1 + 3 कितना होगा, 2 होगा, -1 + 1 कितना होगा, सॉरी 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा, राइट। ठीक है, तो हमने ये मैट्रिक्स फाइंड कर लिया, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, और ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। वैसे भी आप चेक कर सकते हो, देखो डायगनल एंट्रीज को छोड़ दो, बाकी के एलिमेंट मैंने बताए थे सेम होंगे। A12 जो पोजीशन पे है वही A21 पोजीशन पे आपको दिखाई देगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में। तो ये हमने ढूंढ लिया एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ऐसे ही अब हमने फाइंड करना है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और कभी भी जब भी आप ए मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज निकाल के सब्ट्रैक्ट करते हो, उसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है हमेशा। तो हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल रहे हैं ये। तो यहाँ पे लिखा हमने 1/2, यहाँ पे हमने ए मैट्रिक्स पुट करना है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ हमें 2 3 - 1 1, 2 3 - 1 1, देन माइनस, यहाँ पे हमने ए ट्रांसपोज का वैल्यू पुट करना है। ए ट्रांसपोज क्या होगा, 2 3 - 1 1, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, यही ट्रांसपोज होता है मैट्रिक्स का। अब ये दोनों मैट्रिसेस को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 2 - 2 0 होगा,
थ्री माइनस ऑफ माइनस वन फोर होगा, माइनस वन माइनस थ्री इज माइनस फोर, वन माइनस वन इज जीरो, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने क्या फाइंड कर लिया, एक स्क्यूसमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। अब अगर आपको स्क्यूसमेट्रिक की डेफिनेशन याद हो तो ये स्क्यूसमेट्रिक मैट्रिक्स ही बन रहा है। मैंने क्या बताया था, स्क्यूसमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में डायगनल एंट्रीज हमेशा जीरो होती हैं और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑपोजिट साइन के होते हैं, सेम होते हैं लेकिन ऑपोजिट साइन के होते हैं। जैसे ए वन टू पे फोर है तो ए टू वन पे माइनस फोर है। तो ये हमने ढूंढ लिया एक स्क्यूसमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ एज वी नो दैट किसी भी ए मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स को वन बाय टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। हमने प्रूव किया था ना कि अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो ये ए के इक्वल ही आता है, हमने इसको सॉल्व करके भी देखा था। तो हम किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे इसका आंसर क्या आ रहा था हमारे पास, वन बाय टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, आंसर क्या निकाला है, 4222 प्लस इसका आंसर क्या आ रहा है, हमने ये फाइंड किया है 1/2 0 4 -4 0। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स था क्या, ए मैट्रिक्स हमें गिवन मैट्रिक्स क्या दिया हुआ था, 2 3 -1 1, ये था ए मैट्रिक्स। इसको हमने लिख दिया ऐसे, देखो ये ए मैट्रिक्स है, इसको हमने लिख दिया सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यूसमेट्रिक मैट्रिक्स है, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये मैट्रिक्स बनेगा। ये हमने यहीं से चेक कर लिया था, किया था हमने, है ना, लास्ट स्लाइड में चेक किया था कि इन दोनों एक्सप्रेशन को जब आप ऐड कर दो ए के इक्वल ही आता है। तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, तो ये हमारा मैट्रिक्स है जिसको हमने सम ऑफ सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड स्क्यूसमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करना था। तो हर क्वेश्चन आपने ऐसे डील करना है, कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए आपको, अगर आपको उसको सिमेट्रिक एंड स्क्यूसमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस करना है तो आप मैट्रिक्स को ए चूज कर लोगे। तो आप क्या निकालोगे, पहले हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, वहां से आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। फिर निकालोगे आप हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, वहां से आपको स्क्यूसमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। और फिर हमारे पास ये रिजल्ट होता है, यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दोगे तो आप इजीली एक्सप्रेस कर पाओगे गिवन मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यूसमेट्रिक मैट्रिक्स में। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक सिमेट्रिक एंड स्क्यूसमेट्रिक मैट्रिक्स, इससे इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना है, एक मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलते हैं, अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है। स्क्यूसमेट्रिक कब बोलते हैं, अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है। और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यूसमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक रहता है, विच इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स चैप्टर से यही रहता है। ठीक है, ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।